इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो टाइप्स होती हैं, उसको हमने डिफाइन किया था। मैंने आपको कुछ जो है वो उसकी एग्जांपल्स भी करवाई थी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। आज जो है वो मैं आपको करवाने, अभी हम ना इनके आगे मैं आपको फ्रेज और क्लॉज का डिटेल लेक्चर भी दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि क्लॉजेस और फ्रेजेस की और क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह वो भी लेक्चर आ जाएंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। ये है कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस की क्या टाइप्स हैं। देखो जैसे स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है साफ। जैसे हम अपने इर्द गिर्द घर देखते हैं बच्चों, तो हर घर का एक अपना स्ट्रक्चर है। कोई किसी का नक्शा कैसे है, किसी का नक्शा कैसे है, किसी का नक्शा कैसे, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी घर के अंदर चार कमरे हैं, किसी में दो आगे बने हुए एक पीछे बना हुआ, किसी पे साइड पे बना हुआ, किसी में किचन कैसा है, लाउंज कैसा है, ऊपर वाला पोर्शन कैसा बना हुआ है, तो हर घर का स्ट्रक्चर अपना है। इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, आज हम वो सीखने जा रहे हैं कि सेंटेंसेस बेसिकली हम जो है वो कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ये याद रखें कि अंग्रेजी जुबान के अंदर जो है वो चार ही स्ट्रक्चर हैं, चार तरीके हैं जिनसे हम जो है वो अपना कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। जो बात हम कहना चाहते हैं वो इन चार तरीकों में से ही हम कोई एक तरीका चुन सकते हैं। अंग्रेजी जुबान के अंदर पांचवा कोई तरीका नहीं है। अगर आपको आज का लेक्चर ये आसानी से समझ आ जाए, इसके ऊपर आप घर बैठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, तो मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि बच्चों आपका जो लैंग्वेज के अंदर जो है वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने कोई सेंटेंस बनाना कैसे है, मैंने अपनी बात को लिखना कैसे है, किस अंदाज में मैंने पेश करना है। तो ये अंदाज जो है, ये चार ही अंदाज हैं किसी भी अपनी बात को कहने के। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास जो है जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है सिंपल सेंटेंस, उसे हम कहते हैं। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, इट इज हम कह सकते हैं कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कल हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो ऐसा जुमला होता है जिसके अंदर एक एक्टिविटी होती है और वो एक्टिविटी जो है वो अपना कंप्लीट मीनिंग समझा पाती है, हमें उसकी सेंस समझ आ जाती है, वो बात जो कन्वे करना चाहते हैं वो सारी बात जो है वो मुकम्मल तौर पर दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो अगर एक एक्टिविटी हो, ठीक है, और उसे हम जो है वो अलहदा से लिखें, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। और वो जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो सिंपल सेंटेंस कहलाती है। इसके अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं? इसके अंदर शामिल होता है वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा और एक ही ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या ये जुमला जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ वर्ब हो और उसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर सब्जेक्ट ना हो। ये भी हम पीछे कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है उनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। मोस्टली हमें पता नहीं होता कि डोर कौन है, तो सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट सब्जेक्ट, सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो है वो अगर सब्जेक्ट होगा तो एक होगा, वर्ब होगा तो एक होगा, और अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट या तीनों सब्जेक्ट जो एक्टिविटी कर रहे होंगे, जो एक्शन कर रहे होंगे, वो एक ही होगा। उसमें हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, एक्शन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो इस पे आपने फोकस रखना है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं या जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर जो हमारा एक्शन होता है, जो हमारा वर्ब होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, वो एक ही एक्टिविटी की तरफ जो है वो इशारा कर रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जो है वो हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बहुत जैसे बेशुमार इसकी सो हजारों एग्जांपल, मैं कहूँ आई प्ले फुटबॉल। देखें जी, अब ये मैंने लिखा, अब देखें इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर एक्टिविटी हो रही है,
पूरी बात समझ आ रही है तो मैं कहूंगा कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। इधर मैं कहूं आई रीड बुक्स, आई ऑफर प्रेयर्स, मैं कहूं आई शुड ओबे द एल्डर्स, मुझे बड़ों की बात जो है वो माननी चाहिए, फरमाबरदारी करनी चाहिए। I should respect the teachers, मुझे असाध्या की जो है वो इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी इस तरह बेशुमार है, तो हमारे अनगिनत ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर जो है वो हमारा सब्जेक्ट और हमारा वर्ब जो है वो मोस्टली सिंगुलर होते हैं। इसमें ज्यादा अहम चीज है कि हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सेम अगर एक ही एक्टिविटी के इर्द गिर्द सारा वो काम चल रहा है, वो पूरा सेंटेंस लिखा गया है, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम ये सारी बातें जो है वो जो भी हम बात कहना चाहते हैं उनको हम इस तरह सिंपल सेंटेंसेस के अंदर लिख सकते हैं। जैसे ये सारी बातें हमने एक एक सेंटेंस के अंदर जो है वो लिखी है, तो इन तमाम सेंटेंसेस को जो है वो हम फुल स्टॉप लगाकर अलग अलग सेंटेंसेस लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बात जो है वो इस अंदाज में की जा सकती, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप जो है वो अपने जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखें, कोई मजमून लिखें, कुछ भी लिखें, तो उसमें आप सब सिंपल सेंटेंसेस यूज करें। बहरहाल ये अल्फाजों को लिखने का, अपनी बात को बयान करने का एक तरीका है। ठीक है, कि आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएं जिसके अंदर एक एक एक्टिविटी चल रही हो। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आता है वो आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो बच्चों ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। ये याद रखें कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे होते हैं कि एटलीस्ट टू, ठीक है, एटलीस्ट टू या फिर दो से ज्यादा, लेकिन जस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये याद रखें कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दूसरी कोई क्लॉज नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर के एतबार से एक जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है। मैं एग्जाम्पल, जैसे ऊपर हमने ये सारे देखे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अलग अलग लिखे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आई प्ले फुटबॉल एंड आई ऑफर प्रेयर्स, ठीक है जी। अब ये देखें, ये हमने एक जुमला लिखा है और इसके अंदर एटलीस्ट हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। अब एक ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज कि आई प्ले फुटबॉल एंड आई ऑफर प्रेयर्स। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दो अलग सेंटेंसेज हैं, लेकिन उनको हमने जो है इकट्ठा जोड़ दिया है एक सेंटेंस के अंदर, और यहाँ पे हमने कंजंक्शन यूज की है एंड। ये कंजंक्शन के ऊपर भी बड़ा डिटेल आगे लेक्चर आएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कंजंक्शन क्या होती हैं। इसी तरह देखें, मैं और कहूँ कि आई शुड ओबे द पेरेंट्स and I should respect the teachers. अब देखें, ये दो sentences again आ गए, I should obey the parents and I should respect the teachers. अब ये जुमले के अंदर जो है, इस एक sentence के अंदर दो basically activities हैं, दो बातें हैं अलग, उनको हमने जो है वो एक conjunction के साथ जोड़ दिया और दोनों independent हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारी बेसिकली एक कंपाउंड सेंटेंस। अब देखें, अगर हम इसके अंदर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज करना चाहते हैं, तो ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करूं, उसके बाद कॉमा, आई शुड ओबे द पेरेंट्स, आई शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स, तो फिर यहां पर मैं एंड लगा दूंगा तीसरे के साथ जोड़ने के लिए, एंड आई मस्ट वर्क हार्ड, और मुझे जो है वो मेहनत करनी चाहिए जरूर। तो अब ये देखिए, अब इस जुमले के अंदर तीन एक्टिविटीज हो रही है, आई शुड ओबे द पेरेंट्स, आई शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स एंड आई मस्ट वर्क हार्ड।
अब चूंकि ये दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, लेकिन ये सभी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, इन सबको हम अलग अलग भी जो है वो जुमलों के अंदर लिख सकते हैं, ये सारी अपने अपने मीनिंग्स कन्वे कर सकते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। और हमने इस में जो है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को इकट्ठे एक जुमले के अंदर अब लिख दिया है, तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से ये कौन सा सेंटेंस है, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बेटा कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इसके अंदर वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसके अंदर क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, अगरचे कि इसके अंदर जो है वो वर्ब भी होता है, लेकिन वर्ब होने के बावजूद जो है इट डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद ए कंजंक्शन। डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा जुड़ी होती है किसी कंजंक्शन के साथ, तो इसलिए जो है ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपना मीनिंग कन्वे कर देती है। ये ऊपर हमने सारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की एग्जांपल्स भी लिखी, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है कि ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैं इसकी एग्जांपल आपको लिखूं, जैसे मैं कहूं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर दो एक्टिविटीज है, एक है पेशेंट का मर जाना और दूसरा है डॉक्टर का आना। तो अब अगर इस जुमले में हम ये जो दूसरा हिस्सा है बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, अगर सिर्फ ये लिखा होता तो हमें नहीं पता चल सकता कि डॉक्टर के आने से पहले क्या एक्टिविटी हुई है। वो क्या एक्टिविटी हुई है वो हमने इस जगह पर यहाँ पर लिखी है, तो जब हमें जिस एक्टिविटी का जो है अंदाजा नहीं हो सकता, तो ये बिफोर द डॉक्टर केम कि डॉक्टर के आने से पहले क्या एक्टिविटी चल रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमने पहले भी इसका जो है वो एक सेंटेंस ऊपर भी लिखा था, मैंने आपको बताया था कि क्लॉजेज जो है वो बेसिकली क्या होती है और किस तरह जो है वो हम उनको जुमलों के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखें, मैं कहूँ एक और एग्जांपल करता हूँ जो हमने कल भी की थी, द मैन वॉज पेड आफ्टर द वर्क वॉज डन। अब देखें इस जुमले के काम मुकम्मल होने के बाद, तो काम मुकम्मल होने के बाद क्या किया हमें नहीं पता, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिहाजा ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इस जुमले को हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है जी, चले अब चौथे नंबर पर आ जाते हैं। चौथे नंबर पे जो है उसे हम कहते हैं मल्टीपल सेंटेंस। मल्टीपल सेंटेंस क्या होता है कि जिसके अंदर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एक ऐसा जुमला जिसके अंदर दो या दो से कम से कम दो, ठीक है, कम से कम दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस हो। ठीक है, एक ऐसा जुमला जिसके अंदर कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, जैसे कंपाउंड सेंटेंस के अंदर होती है, और उसी जुमले में उसके साथ कम से कम एक या एक से ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हो, तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं, ऐसे जुमले को जो है वो हम स्ट्रक्चर के लिहाज से मल्टीपल सेंटेंस जो है वो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। देखें ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखी कि आई प्ले फुटबॉल एंड आई
गो टू कॉलेज। अब देखें, ये अभी तक हमने यहाँ पर इस जुमले में दो एक्टिविटीज लिखी हैं और दोनों एक्टिविटीज अलग अलग लिखी जा सकती है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं कि अगर एंड को काट के हम फुल स्टॉप लगा दें तो फिर भी ये दोनों बातें जो है वो कंप्लीट अपना मीनिंग समझा सकती हैं। अब इसके अंदर मैं एक डिपेंडेंट क्लॉज ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ आई प्ले फुटबॉल एंड आई गो टू कॉलेज बिफोर आई before I finish my कह लें कि टास्क कह लें या बिफोर आई फिनिश माई वर्क कह लें, ये कर लेते हैं ताकि आप जरा आसान हो जाए। अपना काम मुकम्मल करने से पहले, बिफोर आई फिनिश माई वर्क, अपना काम मुकम्मल करने से पहले मैं फुटबॉल खेलता हूँ और कॉलेज जाता हूँ। अब देखिए इस जुमले के अंदर ये जो हमने आखिरी हिस्सा लिखा है बिफोर आई फिनिश माई वर्क, अपना काम मुकम्मल करने से पहले, हमें नहीं पता कि इसके साथ साथ क्या हो सकता है, हम कुछ भी बातें लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर कट कर देता हूँ। अब देखें सिर्फ ये लिखा हो बिफोर आई फिनिश माई वर्क, अपना काम मुकम्मल करने से पहले, अब आगे तो कुछ नहीं लिखा हो, हमें क्या पता कि अपना काम मुकम्मल करने से पहले मैं क्या करता हूँ। हम तो यहाँ पर 100 बातें लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले एक सेंटेंस लिखा, अब यहाँ पे हम सेंटेंस चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ बिफोर आई फिनिश माई वर्क आई ऑफर माई प्रेयर्स एंड आई ईट फूड। अब देखिए अब सारा सेंटेंस चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो अब सेंटेंस के अंदर ये हिस्सा जो है वो अपना मीनिंग मुकम्मल नहीं समझा सकता कि एक्चुअली इस पूरे सेंटेंस में हुआ क्या है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और इसके अंदर साथ हमने दो जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़ी हैं, ये आई ऑफर माई प्रेयर्स एंड आई ईट फूड। ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से एक ऐसा जुमला जिसके अंदर कम से कम दो इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हों तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल सेंटेंस। ठीक है जी, चले मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये जो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेज बाय स्ट्रक्चर, इसमें हमने चार स्ट्रक्चर्स पढ़े, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको जो है वो आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको पसंद आया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है जी, लेक्चर के एंड पे आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, फॉलो करें मुझे, मुझे फीडबैक दें अपना ताकि मुझे पता चल सके, तो स्टार्स की सूरत में जो है वो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, बेटा आप एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग सुनो आज शाम को दोबारा बैठ कर, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछना, कल मैं दोबारा इसको रिपीट कर। चलिए लेक्चर के बाद जो है वो आपने एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि आपने जो है वो फॉलो करना है और मुझे फीडबैक देना है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।